अपनी गाड़ी के लिए आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, उसी का प्रोसेस इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूं। अन्य कंपनियों की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की वीडियो आपके चैनल पर मिल जाएगी। बाकी आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बुक वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा, या फिर डायरेक्ट आप गूगल में बुक माई HSRP सर्च कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से टिक करके आपका जो स्टेट होगा उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद जो भी आपके गाड़ी का नंबर होगा आपको गाड़ी का नंबर यहाँ पर इंटर कर देना होगा। देन गाड़ी का जो चेंजिस नंबर होगा उसका आखिरी 5 अंक यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद गाड़ी का जो इंजन नंबर होगा उसका भी आखिरी 5 अंक यहाँ पर इंटर करना होगा। जो कैप्चा शो हो रहा है आपको यहाँ पे इंटर करके क्लिक हियर पे टिक कर देना होगा। अब गाड़ी का डिटेल्स यहाँ पे नीचे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैच कर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन डेट आपके RC में लिखा होगा वो अगर यहाँ पे सही शो हो रहा है तो इसका मतलब आपका डेट जो है वो सही है। अब यहाँ पे व्हीकल कैटेगरी जो होगा मोटरसाइकिल अभी हम यहाँ से सेलेक्ट कर दे रहे हैं। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में गाड़ी का जो मालिक का नाम होगा वो यहाँ पर इंटर करना होगा। गाड़ी के मालिक का ईमेल ID, मोबाइल नंबर, उसके बाद बिलिंग एड्रेस RC में लिखा होगा उसको यहाँ पर कम्प्लीट पूरा फिल कर देना होगा। फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक OTP का होगा, जो मोबाइल नंबर आपने दिया होगा OTP डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे डीलरशिप होम डिलीवरी अवेलेबल अच्छी नहीं है तो हम डीलर अपॉइंटमेंट पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ से डीलर अपॉइंटमेंट क्लिक करेंगे उसके बाद आपका स्टेट शो हो जाएगा, आल हो शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं मैनुअली। अभी यहाँ से आप चाहें तो सिटी अपनी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद गो पे क्लिक कर देना होगा। देन उसके बाद जो भी यहाँ पे मोटरसाइकिल का जो भी एजेंसी होगी यहाँ पर शो हो जाएगा। अब जो भी आपके नज़दीक का होगा उसको यहाँ पर एरो पर टिक कर देना होगा। एरो टिक करेंगे यहाँ पूरा डेट टू अपेंड शो हो जाएगा। अब यहाँ पे डेट चूज कर लेना होगा, उसके बाद टाइमिंग यहाँ पे चूज कर लेना होगा, जैसे अवेलेबल जो शो हो रहा है उस पर टिक कर देना होगा। अब नीचे कंफर्म एंड प्रोसीड पे आपको टिक कर देना होगा। नाउ यहाँ पे पूरा डिटेल्स अभी तक जितना आपने फिल किया होगा पूरा मैच कर लेना होगा। उसके बाद फिर से टिक करेंगे कंफर्म, यहाँ पे सेम एज पे क्लिक करेंगे, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे नीचे फिर से शो हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आई एग्री यहाँ पे आपको टिक करके पे ऑनलाइन पे आपको टिक कर देना होगा। नाउ यहाँ पे पूरा चार्जेज वगैरह शो हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करिए। अभी हम UPI QR कोड पर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नाउ पर आपको क्लिक करना होगा, QR कोड सिलेक्ट करना होगा, पे नाउ क्लिक करेंगे, कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक करना होगा। बार कोड को आपको स्कैन कर लेना होगा अपने फ़ोन से जिससे पेमेंट करना चाहते हैं। पेमेंट होने के बाद यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट ले सकते हैं, या फिर बार कोड को स्कैन करके दूसरे फ़ोन से उसको भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे डाउनलोड हो जाने के बाद एजेंसी में आपको अपॉइंटमेंट के दिन इस रसीद को और गाड़ी के RC को गाड़ी को ले जाकर अपॉइंटमेंट के दिन वहाँ पर नंबर प्लेट फिट करवा लेना होगा।